कोरोना महामारी ऐसी है कि जिसमें समाज को मिलके ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई बीमार एक होता और उसके इलाज की जरूरत होती तो सरकार करवा के घर भेज देती है, तो एक से दूसरे में, दस में, दस से सौ में, सौ से हजार में लगातार पूरी दुनिया में फैल रहा है और स्थिति विकट होती जा रही है, स्थिति संकटपूर्ण है। इसलिए एक तो जनता को ये प्रार्थना करने के आप अपने बचाव का भी इंतजाम, खुद भी सावधानी रखें, मतलब मास्क लगाएं, दूरी रखें ताकि वायरस एक से दूसरे में ना जा पाए, हाथ साफ करते रहें, और अभी 45 साल से ऊपर के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको वैक्सीन लग जाए। बहुत व्यापक प्रयासों की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से अस्पताल बिस्तर इंतजाम में कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन बिस्तर की भी सीमा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, आज 4000 पार कर गए मध्यप्रदेश, और इसलिए समाज को साथ खड़े बिना काम नहीं चलेगा, और उसके लिए हमारा मार्गदर्शन हमारे धर्म गुरु करेंगे। मैं एक बार फिर उनको प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, और मैं विभाग के जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सुलेमान, उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार धर्मगुरुओं के सामने पूरी तस्वीर जो है कोविड महामारी की वो रखें, और पूरे प्रदेश के धर्मगुरु देखेंगे। 14 फरवरी के बाद से हमारे केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई, और अभी जो नया चार्ट जो राइट साइड में आप देख रहे हैं 4043, वो 2607 से अभी की 4043 पहुंच चुकी है, और अभी भी ये रुकी नहीं है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन भयानक स्थिति से निपटने के लिए पूरा मध्यप्रदेश सारे मतभेद भूल के, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इस समय भैया कोई मतभेद नहीं, इस समय मानवता एक होनी चाहिए, इंसानियत एक होनी चाहिए। दुनिया पे जब बड़ा खतरा आता है तो छोटे मोटे मतभेद समाप्त कर दिए जाते हैं, और इसी भाव से धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ, बड़ा संकट है, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना है, इसके बारे में भी आप जैसा कुछ सोचे, लेकिन उसके साथ आप जनता को मार्गदर्शन भी करें। मैं फिर अपील कर रहा हूँ, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेके समाज के, देखो हम अपना व्यवहार बदल के काफी कुछ इससे बच सकते हैं। देखिए मास्क ना लगाना भी सामाजिक अपराध है, आप केवल अपने लिए खतरा नहीं, आप अगर बिना मास्क के तो आप दूसरों के लिए भी खतरा है, और ये सामाजिक अपराध है, और इसलिए एक मैं आदरणीय धर्म गुरु जो यहां और सामने उपस्थित है उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो समाज को गाइड करें, मार्गदर्शन करें, लीड करें कि भाई मास्क लगा। दूसरी चीज है दूरी बना के करें, और तीसरी चीज है हाथ साफ करना, चाहे साबुन से चाहे सैनिटाइजर से, अगर आती क्या हाथ था तो उससे वो मर जाता। तो सबसे अब तक दुनिया में वैज्ञानिकों ने जो बताया वो तरीका यही है कि आप ये तीन उपाय करें। चौथी चीज है ये टीका लगवाएं। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि टीका लगने के बाद अगर कोरोना आपको हो भी जाए तो वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शरीर में लड़ने की ताकत आ जाएगी, तो उसके कारण हो सकता है संक्रमण हो जाए लेकिन मौत नहीं होगी। हम इंसानी जिंदगी, मनुष्य की जान बचा सकते हैं उससे। 45 साल से ऊपर जितने भाई बहने कोई ध्यान की हो तो खत्म करते हैं, वो ये वैक्सीन ले लें, टीका लगवा लें, और जिंदगी को बचा पाएंगे। मैं आज अपने धर्म गुरुओं से एक तो आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि शक्ति, हौसला और आत्मविश्वास बना रहे, चाहे कुछ हो जाए हम डटे रहेंगे, लड़ेंगे, और इस बीमारी को खत्म करके चैन की सांस लेंगे।
कृपया करके सब धर्मगुरु जो हर जिले में बैठे हैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं आपका सहयोग चाहिए ताकि लोग इस बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करें, टीकाकरण करवाएं। मैं हिम्मत और हौसले से भरा हूं, आत्मविश्वास से भरा हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद इसको और ताकत देगा। इसलिए आज सभी जिलों में सभी धर्मगुरुओं से मैंने प्रार्थना की है, ये बिल्कुल स्वास्थ्य आग्रह कर्मकांड नहीं है। हमारे यहाँ कहा यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा संकल्प लेता है प्रजा की रक्षा के लिए तो वो माननीय शिवराज जी जैसा उपवास कर बैठता है, अपने शरीर को कष्ट देकर प्रदेश की जनता के लिए यह उपवास आपके चरित्र को दर्शाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम अमर नहीं है, जरा सी लापरवाही आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत घातक हो सकती है। आज मैं यहाँ इस मंच से संकल्प लेता हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करूँगा। इस प्रकार का आयोजन हुआ है जिससे हर एक व्यक्ति में एक तरह से सतर्कता और सक्रियता आ जाए। सक्रियता के विषय में हम सोचें तो जरूर हमारी सरकार बहुत से कार्य कर रही है। एक तो हर एक घर मानता है कि मनुष्य शरीर और आत्मा है, शरीर और आत्मा दोनों की निर्मलता की आवश्यकता है। तीन बातों पर ध्यान दिया गया है, दूरी रखना, जरूर मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलना चाहता है लेकिन इस महामारी के कारण दूरी रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क का उपयोग करना, यह हमें सरकार बताती है। इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना हर एक का कर्तव्य है। मैं हमारे स्कूल के हजारों दसों हजारों बच्चों से अपील करता हूँ कि वे अपने घरों में रहकर सक्रिय रहें और हमेशा इन दो तीन चीज़ों की बातों चीज़ों के बारे में याद रखें जिससे कि ये महामारी से वे दूर रहें। हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है और सैनिटाइज करना है और टीका लगवाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चारों काम हम कर रहे हैं। तो सेहत की हिफाजत करना हमारे धर्म के हिसाब से हर इंसान की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि उसकी सेहत को ख़राब करने वाला हो। इसलिए मैं तमाम ही हमारे सामी से कहना चाहता हूँ कि सेहत के सिलसिले में जो भी हमको करना पड़े आखिरी हद तक हमको करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अल्लाह ने आपको दोबारा मुझे मौका दिया है, आप पूरी हिम्मत से ये काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि मालिक हमारे सूबे को, हमारे देश को और पूरे आलम को इस बीमारी से निजात फरमाए। ये जो कोरोना की जो बीमारी आम हुई है उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने लिए, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब यही फिक्र में रहते हैं कि किसी को ये बीमारी असर ना कर जाए। तो मेरा सभी से ये गुजारिश है कि हर शख्स अपने जान का एक डॉक्टर है। हर शख्स अपना ख्याल रखेंगे, एहतियात करेंगे, जैसे अभी कहा जा रहा है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार हाथ धोना, ये करते रहेंगे तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला बीमारी अपन सबसे दूर रहेगी। शासन द्वारा जो बताया गया है कि मास्क लगाओ और जिंदगी बचाओ और हाथ धोना और दूरी बना के रखना, ये जो साधन जो तरीके हमें बताए गए हैं। प्रदेश के अंदर एक संदेश जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं तो परिवार भी सुरक्षित है, अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पहली
जरूरी है बचाव, और महत्वपूर्ण है कि जब भी आप अपने घर से निकले तो सामाजिक दूरियां एवं मास्क पहनकर ही निकले। सरकारी जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो सारे निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, और ये प्रयास हो कि मेरे द्वारा, हमारे द्वारा किसी की हानि नहीं हो, किसी को हानि न पहुंचे। मैं हृदय से आभारी हूँ। इस अभियान में मेरी अंतरात्मा की इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद और सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सुख निरोगी काया, ये है स्वास्थ्य साधना। हम सब मिलकर करें और अपने देश को स्वस्थ बनाए, अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाए। ये तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा, तो देश स्वस्थ होगा। बहुत ही फेल हुई है जो कहते हैं मास्क लगा, हाथ धो, सैनिटाइजर करो, इस तरह से सब हम कितना समाज कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। मित्रों, कल से स्वास्थ्य आग्रह चल रहा है। और जिस ढंग से समाज के हर एक वर्ग ने इस स्वास्थ्य आग्रह का समर्थन किया है, मैं सचमुच में विश्वास से भर गया हूं। संकट के समय जब समाज खड़ा हो जाए, हम किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी पंथ के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, लेकिन समाज अगर साथ खड़ा हो जाता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है।